तो दोस्तों हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अवर चैनल सनी व्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग के अंदर आ रहा हूँ, तो मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ और हमारे लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। मतलब गुड न्यूज़ के आपके लिए सरप्राइज़ हो सकता है। तो सरप्राइज़ कुछ इस तरीके से है कि हम लोग जहाँ रहते थे किराए के मकान में श्यामपुर में, तो वो मकान हमने छोड़ दिया, किराए का मकान। अब हम अपने मकान में शिफ्ट हो गए हैं। उस दिन से मैं ब्लॉक के अंदर क्यों नहीं आ रहा था, यही मेन कारण था कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता था। जहाँ पे मकान बन रहा था मैं वहीं पे सुबह निकल जाता था और दिन को आना होता था, तो इस चक्कर में मैं ब्लॉग में नहीं रहता था। तो जितनी भी ब्लॉगिंग आपने देखी होगी, वर्षा ने की होगी, है ना, तो ये आज वहाँ पर हम लोग जैसे 31 तारीख को हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे और आज हमारा पूजन है, मतलब कि हमारा घर प्रवेश का पूजा है वहाँ पे। तो अभी हम आए हुए हैं श्यामपुर में ही वहाँ पे, क्योंकि जो है इधर खेत वेत अभी हमारा इधर ही है सब्जी वगैरह का। ये देखिए मैं खेत के पास में खड़ा हूँ अभी, ये देखिए, ठीक है, तो खेत उधर ही है, तो अभी हम इधर ही आए हुए हैं। एक तो मैं दूध लेने आया था, ये देखो ये दूध का डब्बा, और कुछ सामान वगैरह भी लेके जाना है पूजा के लिए, तो वो यहीं बाईपास हमारे यहाँ मार्केट पड़ती है, तो मैं वहीं से लेके जाऊँगा। तो आप बने रहिएगा, पूजा का सामान ले आने के बाद आपको दिखाते हैं कि हमने कहाँ पर कैसा घर बनाया है, तो बने रहिएगा व्लॉग में। तो दोस्तों ये है वो घर का रास्ता, वो गली है सामने से, वो अंदर आ रही है पूरी, और यहाँ से आकर के सामने बना हुआ है दीदी का मकान, यानी के हमारे पड़ोसी, और ये है अपना मकान। तो ये देखो वर्षा के ढंग, है ना, ये मेन गेट से एंट्री होती है इस तरीके से। माय अपना घर हो चुका है। तो ये दोस्तों छोटा सा मकान, छोटा सा घर हमने बनाया है, ठीक है, और इसी के लिए मैं आता था यहाँ पर, जो है ये देखिए, तो इसी के लिए मैं सुबह आ जाता था यहाँ पापा के साथ, और मैं व्लॉग में नहीं रह पाता था, तो इस तरीके से। और यहाँ पर ये लोकेशन है, ये बाइक खड़ी है, पूरी प्लॉट पड़े हुए हैं अभी बिकने के लिए, कुछ बिके हुए हैं कुछ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये बाहर की लोकेशन है, साइड से दिखाता हूँ। तो दोस्तों बड़ी मेहनत लगी इसे बनाने में, है ना, छोटे से मकान को ऋषिकेश के अंदर, और ये हमारे बस की तो कुछ भी नहीं था, सब हमारे साईं बाबा जी की कृपा से हुआ है। बाबा जी को इसका पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि अगर उनकी कृपा दृष्टि ना होती तो शायद मुश्किल पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था यहाँ पे घर बनाना। तो आज उनकी बदौलत ही ये हमारा मकान यहाँ पे बन पाया है, और उनकी हमेशा से कृपा रही है हम पर। तो 15 साल हमें हो चुके थे दोस्तों, 15 साल हो चुके थे किराए के मकान में रहते रहते, अब जा कर के अपना मकान बना है। तो ये हमारा जो मकान है ये 50 गज में है, 22.5 इसका फ्रंट है और 20 इसकी गहराई है। तो चलिए मैं आपको अंदर का थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आपको, मैं वहाँ पे जो है क्लिप बनाना भूल गया, पूजा का सामान मैं ले चुका था श्यामपुर से ही, क्योंकि हम लोग जल्दी गए थे तो दुकानें ज़्यादा खुलने दी थी, तो एक दुकान हमें मिल गई थी हमारे यहाँ बाईपास चौकी है वहाँ पर, तो मैं पूरा सामान लेके आ गया था, ये खड़ी बाइक, और पापा भी मेरे साथ थे। तो कुछ सामान अभी इसके अंदर रखा है, बाकी सामान अंदर लेके चले गए। तो ये यहाँ की कुछ लोकेशन है जहाँ पर हमने छोटा सा घर बनाया है, ठीक है, ये गांव है वो जहाँ पर घर बनाया है, और मैं दिखाता हूँ आपको अपना छोटा सा घर। क्या है ना दोस्तों कि मतलब मैंने इस तरीके से लेके चला है मैंने इस मकान को, कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। अभी नीचे ना 2 रूम बड़े आराम से आ जाते, क्योंकि जो सामने घर है ना दीदी का, उनका वहाँ पे 2 रूम लेटरिन बाथरूम किचन वगैरह सब आ गया, हमारा भी आ जाता। लेकिन मैंने जो है नीचे बरामदा बनाया, और एक मतलब मैंने पार्किंग काफ़ी सारी छोड़ी हुई है, क्योंकि ये 10 फीट का रास्ता है, और फिर रास्ते में हमें कोई चीज़ खड़ी नहीं करनी है,
ठीक है। तो 10 फीट के हमने पार्किंग इतनी छोड़ी है कि अंदर हमारा जो भी गाड़ी घोड़ा होगा अंदर आ जाएगा। और उसके बाद मैंने गेस्ट रूम बनाया, जो अभी रूम दिखाया, अब वो फीचर अभी तो सोने वाला रूम है, बाद में वो गेस्ट रूम रहेगा। और इसके ऊपर 2 रूम और 1 किचन आएगा, और देखते एक वॉशरूम बना देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। बाकी यहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मतलब इतनी गर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन रात को मैं सच में बिलीव नहीं करोगे आप कि पंखा बंद करना पड़ता है हमें। कितने 2-3 बजे से पंखा बंद कर देते हैं और बहुत ठंड होने लगती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जंगल एरिया है सारा, यहाँ पे लोगों के घर नहीं है, वो नहीं है ना, यहाँ पे स्टीम नहीं है, भाप नहीं है, मतलब इस तरीके की हीट नहीं है कह सकते हैं, तो यहाँ पे ठंडा है बिल्कुल। बाकी आप कभी आइएगा घर में, विज़िट कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी शाम को पूजा है तो दिखाते हैं आपको किस तरीके से क्या सेटअप होने वाला है, ठीक है। बने रहिएगा ब्लॉग में। जैसे अंदर एंट्री होती कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स? तो दोस्तों वर्षा वर्षा कुछ कहेगी? कहूँगी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, कभी खुशी नहीं हुई होगी। और लेकिन एक बात ये भी है कि मतलब मन नहीं लग रहा कि उधर आदत थी ना, मंदिर पे रहते थे बाबा जी के, है ना, और यहाँ पे मतलब खुशी भी है और मन भी दुख है ना। तो वैसे तो खुशी है, तो आप जाके देख सकते हो घर, है ना। अच्छा, ये मंदिर किसकी वजह से बनाया है? मंदिर बोल रहा हूँ, ये घर किसकी वजह से बनाया है? बाबा जी की वजह से बनाया है, उन्होंने ही बनवाया है, वरना हमसे तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था, और ये एंट्री है अंदर की, ये देखिए। तो ये बरामदा है, बरामदा जिसे बोलते हैं, और लॉबी थोड़ी, हाँ लॉबी बोल सकते हैं शायद इसको, काफ़ी बड़ी है। और ये है रूम, ये फिलहाल रूम है, फ्रिज रखा हुआ है, अभी सफाई कर रही है मम्मी यहाँ पे। आज पूजा है जैसे कि बताया, तो सफाई वगैरह चल रही है, और अभी फिटिंग वगैरह पाइपिंग की हो गई है, अभी लाइट फिटिंग होना बाकी है, फिलहाल लाइट से काम चला रहे हैं। और यहाँ पे लगेगा वॉश बेसन, बाद में यहाँ पे मोटर और आएगा इन्वर्टर वगैरह। और ये है लैट्रिन बाथरूम, तो ये बाथरूम है, लाइट नहीं है इसमें भी, अभी फिटिंग वगैरह, काफ़ी बड़ा बाथरूम है ये देखिए, है ना। और ये वॉशरूम हो गया, काफ़ी बड़ा वॉशरूम भी है। और यहाँ से जाती हैं सीढ़ियाँ, ये कुछ बाहर का लोकेशन है इस तरीके से। तो यहाँ से जाता है जीना, अभी पूरा सामान अभी 31 तारीख को शिफ्ट हुए हैं, पूरा सामान ऐसे बड़ा है। और यहाँ पर ये स्टोर रूम बना दिया ऊपर, लैटरिन बाथरूम के ऊपर एक छत बना के, और विस्की यहीं कहीं सो रही है अंदर, विस्की आ नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल में लाए थे। और ये है ऊपर की छत कुछ इस तरीके से, बहुत धूप हो रही है। ये छत 500 फीट है पूरा टोटली चारों तरफ से, ये सामान सुमान सब ऐसी मम्मी ने चूल्हा बनाया है ये। तो ये यहाँ की लोकेशन है, इधर थोड़ा वन विभाग वालों का जंगल आ गया, और ये वो गांव है जहाँ हम रहते हैं, ये गांव यहीं है छिद्रवाला के पास ही पड़ता है। तो ये इस तरीके से ये हमारे पड़ोस में है, ये भी 50 गज में मकान है, और हमारे बगल में भी 50 गज पड़ा हुआ है अभी। तो ये सब इधर बिकने के लिए जगह पड़ी हुई है। बाकी यहाँ से नीचे यहाँ पूरा स्टील पाइप लगेगा, अभी थोड़ा पैसों की दिक्कत थी, जितना था सब लगा दिया, बाद में इसको करेंगे धीरे धीरे। ये बरामदा यहाँ से इस तरीके से है। और फ्रेंड्स बहुत थक चुके हैं हम, बहुत ज़्यादा सेटिंग करनी पड़ रही है, कभी इधर रखो सामान इधर रखो, हम तो काबले हो गए, थकती तो चश्मा ही लगाती है, बकवास ज़्यादा फालतू करती है। तू तो बोल नहीं, मत बस दिमाग खराब कर रही हूँ, तो दिमाग खराब क्यों करती है? देख सकते हैं आप इनकी लड़ाई किस तरीके से चल रही है। फैन चल रहा है, ये कंसीडर लाइट है चारों कोनों में, और बीच में फैन बॉक्स आ गया,
फिटिंग हमने करा दी है, अभी तारे बिछवानी बाकी है, पाइप का फिटिंग यहाँ से आएगी। ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ अंदर। तो अभी किचन नहीं बनाया है, अभी किचन का और ये अलमारी बनाई थी, तो ये यहीं पे है अभी किचन ना सेटअप। बाकी इधर ये बिजली का एडजस्टमेंट किया हुआ है, अभी मतलब बिल्कुल आधा अधूरा काम है, पूरा करेंगे धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम न्यू घर में आ चुके हैं और हमारी पूजा है घर में, है ना। तो हमने जो वीडियो बनाई है, व्लॉग बनाया है, तो वो बड़ा हो रहा है, इसलिए हमने उसके दो पार्ट कर दिए हैं। एक पार्ट ये है, आज का है, और एक पार्ट कल आएगा, तो आप जरूर देखना।